नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। चौकीदार चोर है बयान पर फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ राफेल मामले पर गलत बयानबाजी को लेकर दायर अवमानना याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। सोमवार दोपहर कोर्ट ने नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। आजम की टिप्पणी पर भड़की शीला दीक्षित, कहा जयप्रदा से तुरंत मांगे माफी। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा पर आजम खान द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मामले पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के तीखी प्रतिक्रिया दी है। शीला दीक्षित ने आजम खान के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनको जयप्रदा से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सिद्धू की पत्नी हुई हमलावर, हरसिमरत को दी दो दो हाथ करने की चुनौती। अब पंजाब के राजनीतिक में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तरह उनकी पत्नी ने भी आक्रमण अंदाज दिखाया है। पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को लोकसभा चुनाव में खुद से दो दो हाथ करने की चुनौती दी डाली। उन्होंने कहा कि हरसिमरत मुझसे अमृतसर सीट पर चुनाव लड़ ले, उनकी जमानत जब्त करवा दूंगी। वीरेंद्र सहवाग की नजर में है ये टीम इंडिया के सबसे बेस्ट कप्तान, धोनी व विराट पीछे। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बेस्ट कप्तान करार दिया, जिनकी कप्तानी में वो खेले। गांगुली के बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और फिर विराट कोहली का नाम लिया और कहा कि इनका नंबर उनके बाद आता है। सहवाग ने कहा कि मैच फिक्सिंग विवाद के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से बिखर गई थी और इसके बाद गांगुली ने बेहद शानदार तरीके से टीम को संभाला है। हेमा मालिनी की खातिर धर्मेंद्र करने जा रहे हैं ये काम, ड्रीमगढ़ ने खुद किया ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इन दिनों ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी है। बीजेपी के सारे कैंडिडेट भी लोगों को लुभाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी भी शामिल है। हेमा मालिनी ने ट्वीट कर लिखा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, धर्म जी आज मथुरा में रहेंगे और मेरे पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। जनता उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो रही है और वह ये सुनना चाहती है कि वो इस दौरान क्या कहेंगे। चुनाव प्रचार के लिए निकलने से ठीक पहले मथुरा में मेरे घर में ली गई एक तस्वीर, हेमा मालिनी ने इस तरह ट्वीट कर यह बताया है कि धर्मेंद्र उनके लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे। हेमा मालिनी के ट्वीट पर लोग खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।